सात कदम से जाना शीश नवाय दो और राजा अरे करिया नमस्ते बहन जी। कभी तीनों का एक ही मतलब है, साले आगे बोलेगा तो ये संतान होगा लेकिन तू नहीं होगा, ध्यान रखना। एक बात बताओ किनको, आप बताइए आप कहाँ से आए, आप किनको मकान है जो मैं ना मानसो, मैं ना तुम्हारे बाप है। ओए आगे बोलेगा सारे दांत तोड़ दूंगा, मेरा ही नाम है मैना मनसुख, मैना हमारी जाति होती है मैना और नाम मेरा मनसुख है। तुम्हारी कुरी का है, कुरी बरगुज है, बरी मैल लेकर सारे काबत होती है। तो महाराज जैसे हो आप कहाँ से आए, एक बात बताओ नरवर में तुम्हारा दोस्ताना है, आप आए कहाँ से हैं? शहर नरवर से आ रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी मंत्री जी ये कैसी आबो हवा है, ये बामन करके, ये बामन करके और राजाओं में भैया काल तो आपका चेहरा उतरा हुआ है, मेरे खाते कोई परेशानी है? शहर नरवर से महाराज और सुना माजरा और नरवर का कोई सुन लीजिए काट।
आए रे पिता यार के वापस ले कम यानी जो हमारे माता पिता के जो हमारे यार के जो माता पिता थे उनकी कौन का बिल्कुल कैद हो चुकी है महाराज। दुनिया में हंसी 3 दिन के बाद लग जाएगी मात पिता अपनो राखे कायदा घर आएगा देर लग जाएगी डार दिया लोटन भाग का। यानी 3 दिन के बाद फांसी हमारे यार के माता पिता के लिए लग जाएगी। तुम्हारे यार ने लोटन बाग का वादा लिख दिया चिट्ठी में और ये कह दिया कि मेरो यार जैसे बैठो तैसे चलो आप क्योंकि जल्दी का काम है। जल्दी को काम है खटिया बैठो तो खटिया चूतन से ही बांध लाओ। ये कहनावत होती है। हाँ कहनावती मैं कह रहा हूँ जल्दी को काम है जंगल फिर रहो तो पौकत कहनावत होती है। महाराज तुम्हारे जो यार थे उनके मात पिता की कैद हो चुकी तुम्हारी मेहतारी संकट में है भाई उनके जीवन के लाले चखुला खिचत ना हाथन में पड़ गए छाले। महाराज कोरन बांस कमर पर तोड़ती है तुम फौजे सजाओ जा करके धीरे अपने यार की करो ना मालूम को मेहतारी के संग में आगे बोलेगा दांत निकाल दूंगा तेरा काम केवल खबर करने का खबर मेरे पास आ चुकी है आप जा सकते हैं। दोस्तों इस समय मेरे यार के माता पिता पे संकट है और दोस्तों यार वही होता है जब यार को कोई परेशानी होती है जब यार की ये पता पड़ती है तो यार यार की सहायता करता है मदद करता है उसका धी धरता है। तो आज उचित प्रकार नारायण ने मेरे भी पास एक संदेशा भेजा है आज उनके माता पिता पे संकट है तो मेरा भी धर्म ये कहता है कि मेरे लिए जाना जरूर चाहिए। आज मेरे यहाँ परेशानी है मुझ पर भी आ सकती है जाऊंगा जरूर लेकिन उससे पहले मैं अपनी घरवाली से आ जाऊंगा ना जाने मेरी घरवाली मुझसे कहेगी या फिर बदलाई देकर मुझसे बने करेगी जाऊंगा जरूर लेकिन अपनी घरवाली से जाऊंगा। छाता बैठी तुमन की नारे चले के पहुंच गयो सन बासन में सुन भैयो लाली के पहुंच गयो पास कन्हैया पलक गुजर को दोस्तों सुन के लाली के पास पहुंच जाता है एकदम लाली कश्मीर का चेहरा उतरा हुआ व्यक्ति को अपने पति से कहती है और एक बात कहना चाहूंगा ये हमारे भैया ये हमारे नौजवान साथी जो मेरे बराबर से बिल्कुल खड़े हुए हैं इधर बहुत जगह है और आप जहां अगर बैठना चाहे तो यहां भी बैठ सकते हैं सुनने से तो ज्यादा आप बबली कर रहे हैं बैठ जाइए अगर आपके लिए अच्छा ना लगे तो रात अपनी है और ठंडी पड़ी आप सो सकते हैं तो कोई बात नहीं है। दोस्तों रानी के पास पहुंच जाता है और रानी से कहने लगा महाराज जय शंकर की। रानी साहब जय शंकर की। उठी मिर्गा नैरी नार पूरा डारो चौक में मेरे बेटो बलम भरता
अच्छा ये बताओ तुम्हारा चेहरा कैसा उतर रहा है, क्या बात आप पुष्टि हो कि आपका इतना सुंदर चेहरा लाल बलि के है और चेहरा तो उदासी कहती है। हाँ। रानी साहब इसमें कारण है, क्या कारण है, क्या बताऊं दिल की कहानी, क्या बताऊं दिल की कहानी, सुनते ही तुम्हारी आंखों में आ जाएगा पानी। अच्छा क्या बात है ऐसी, रानी साहब बात परेशानी की बात है, क्या बात है महाराज। मेरे यार अरे बोलन बलिया, चतुरा पिटनिया बाप पंजाबी की, मेरी दुलाहे ने मैया बबुला की है गई कैद हरेवा, उठा दम खुल बैठे हो चुकी है। चल एक बार देखा तुम्हारे यार के माता पिता की कोट कपड़े में क्या हो गई, तो तुम भले मानसो घर में बैठे क्या कर रहे हो अपने माता पिता के, कोई बात है, बात क्या आप जाइए क्या छुटा के लाइए, कैसे बैठे भले में एक मिनट बताइए ये कोई लाल दादा के नाम है दादा अपने अपने नाम को मेरे काम पर नर बता आज तक भैया कोई नजर नहीं आयो रे सुनो है मैं वो तेरा बहु बेटा जो नए सुन लाल मोए चलो जी खेलो यार खेलन में भैया जाके आतन की कलाई को बोल चलो मोए जी खेलो इसे घोड़ी से निचतार इसकी मैं जांच करूंगा किसी राजा का लाल है या फिर ये जनानी है, इसे घोड़ी से नीचे उतार पहले चल उतार अरे उतारो नीचे लाल ऊपर चितकवर चल के दिखाइए घोड़िया चल के चलत पयपनी कर तुए मन मानी जगत को मर तुए भैया चाल है जनानी जो नए राजन को सुने लाल भैया खोल पापे खोल यार जापे भैया मत खोलवावे खोल मरत कलाई चपटी होते जाके दोनों हाथन की खोल पूरा रुक जाइए देखन दिए रोयो वो सास के की लफुस है इसे हटा दे मेरे सामने से ना चाकू लगा दो इतनी ठंडी हवा चल रही है आज रात सबको ठंड लग रही है जाके तन तन टपके पसीना जाके तन तन टपके पसीना और मुंह पे नाई मोच के भैया कैसे यूं फिरो सीना अरे यार जाको सीना आजीवे माल तो तू बहुत देर खा तो पेट बहुत लगा तो सीना तेरू ने लेकर यार वो ऐसी मालें पर रही है सारों पर रही है ने काट खाओ
ओके ऐसी मालूम पड़ रही है सारो बीड़ी ज्यादा देखिए जा तो नो मालूम कर तेरा सीना ऐसे कैसे भाव सीना हमारा आदमी को आदत और उधर के टावर क्यों गिरे भाई यार और तू वो देखिए ना भैया देखिए वो तू दिखाइए भैया बैठ बैठ यार जा कौन से तेन में आना बैठ बैठ यार ऐसा आदमी हमने आज तक नहीं देखो यार तो पूछ के आ जाओ सीने ऐसे कैसे हटिए भैया ओए साले माल खाता हूँ माल मारो खाता माल खाता हूँ माल कैसे माल खाता ऐसे माल खाता हूँ सुन सुन हम सर भैया से ज्यादा माल ना खाते हो तुम क्या माल खाते हो रे हमारे भैया राजा हम राजा है हम तो बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं अच्छा जैसा कम से कम आज वो 3 साल है गई मैं अपने भैया को प्योर देसी भी घी अच्छा ऐसिया को खवा रहा हूँ अच्छा और मैंने अब से 3-4 दिन से छुड़वा दा हुआ 3-4 दिन से भैया को डंडा घी खवा रहा हूँ डांडा साले डालडा खाता होगा हाँ डांडा से फूल जाता है फूल जाता है अरे कमाल खाते देख सेब संतरा नींबू चीकू मुनक्खा बादाम किसमें छुआरे ये चीजें खाता हूँ केला खाता हूँ आड़ू खाता हूँ पपीता खा लेता हूँ अंड खरबूजा खाता हूँ सब फल खा ले सब फल खाता हूँ ये 3 फल मेरे पेट पर खाए सारे साले वो अपनी अम्मा खिला दी जाके ये कटन नहीं ना सारे और देख हरी साग सब्जी ज्यादा खाता हूँ ओए देख लौकी बस सही है पूछ कहाँ जा रहा है तो रहिया बेगाले भगा हुआ चल चल और देखिए हमारे रिकॉर्डिंग करता यादव स्टूडियो नाथा की तरफ से इसके प्रोपर प्रोपर साहब हैं प्रमोद यादव जी शिकारपुर वाले और देखिए मेरा नंबर है 8392 81 97 73 और मेरा दूसरा नंबर है 63 95 10 76 79 और ये आपके सामने थोड़ी देर पहले गा रहे थे मास्टर जसवीर सिंह ये इनका नंबर है 74 09 12 18 58 नंबर मांगते हैं लोग के नंबर दे दो अब सेव कर लेना ढोला की जरूरत हो तो नंबर हमारा ले लो तुम सब करवा दे साला घोड़ा जलेबी नहीं खाता और का खाता अरे नमकीन खाएगा नमकीन भी नहीं खाता है चना के दाल खाता है चना के दाल ला गन्ना चूस ले तो होता गन्ना भी नहीं खाता है आप तो जो ने अकाउंट है क्या ना उठा रहा चक्कर का और जो गुड़िया ही ठीक है हम समझ गए बात कोई बात है
को जान से मारते हो।